हेलो एंड वेलकम टू IndiaBud.com। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो मार्क्स था वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था कि आप बताइए कि प्रीवियस कट ऑफ था कितना। तो इसके लिए दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज थी हर डिपार्टमेंट में जो है ब्रांच वाइज, और उसके बाद देखेंगे कि कितना कट ऑफ मार्क्स था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो देखते हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इससे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी हर एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद आपको जो क्वालिटी है स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा, तो ये काफ़ी फायदा होगा, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें ज्वाइन कर लें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिफरेंट ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, सभी जगह ज्वाइन कर लें। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं ये नोटिफिकेशन जो BPSC ने निकाला था 2013 में, तो जो 2012 में निकाला 13 में निकाला था, तो ये जो एग्ज़ाम था इसका नोटिफिकेशन 2011 में आया था और इसका रिजल्ट जब प्री का आया था तो प्री का रिजल्ट आने के बाद कुछ इस प्रकार हाल था। तो ये नोटिफिकेशन निकाला था तो कुछ कैंडिडेट जो सेलेक्टेड थे उनका ये लिस्ट दिया हुआ था। तो जब नीचे इस नोटिफिकेशन के जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दी हुई है। तो जैसे ये जो वैकेंसी था विज्ञापन संख्या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2011 था, ये था असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए था। इसमें टोटल थे 36 पोस्ट, जनरल के लिए 19 था, SC के लिए 5 था, ST के लिए कुछ नहीं था, जो EBC कैटेगरी के लिए उसमें 6 था, जिसमें एक कैटेगरी एक था PWD कैंडिडेट्स के लिए, 5 BC कैटेगरी के लिए था और BC वोमेन के लिए एक सीट था। उसके बाद 2011 जो नोटिफिकेशन था जो ये था असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पोस्ट, टोटल पोस्ट थे 660, जिसमें जनरल का 233 पोस्ट, SC का 195 पोस्ट, ST का 10 पोस्ट, EBC का 145 पोस्ट, BC का 33 और BC के फीमेल के लिए 44। जो 3/2011 जो नोटिफिकेशन नंबर था ये भी सिविल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का वैकेंसी था, टोटल 3 पोस्ट थे, इसमें 2 सीट थे जनरल के और एक था EBC का। वैसे ही जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2011 था वो था असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 11 पोस्ट थे, जो जनरल के लिए 6 सीट था, SC के लिए 2, EBC के लिए 2 और BC के लिए 1 सीट था। तो अब ये हो गया, आप देख लिए वैकेंसी, जो इस बार जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है, 1200 प्लस वैकेंसी है। तो अब देखते हैं इस बार का इसमें कट ऑफ कितना था। तो ये रहा एक जिसमें एक स्टूडेंट का हमने इसमें एग्जांपल लिया है, तो इसमें एक स्टूडेंट का रिजल्ट कुछ इस प्रकार था आने के बाद। जैसे देख सकते हैं आप जो रिजल्ट आया था वो ये जो देखा गया है वो 26 सितंबर 2013 को देखा गया। तो ये फाइनल रिजल्ट आने के बाद तो कैंडिडेट्स का स्कोर कुछ इस प्रकार था। तो इसमें अब आप ध्यान से देखें तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको जूम कर देता हूँ। तो इसमें जब जूम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है कुछ इस प्रकार, जो कट ऑफ है कुछ इस प्रकार है। तो आप यहाँ देखिए जो जनरल का था उसमें इनको आया है जो कट ऑफ मार्क्स था वो था रिटन एग्जाम, मतलब कि जो एक ही पेपर हुआ था उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ था, तो रिटन एग्जाम में 285 आया था। फाइनल एग्जाम जो टोटल मिला के मार्क्स आया था रिटन प्लस इंटरव्यू वो 388 आया था। SC के लिए जो रिटन का कट ऑफ गया था वो 220 गया था और फाइनल कट ऑफ आफ्टर इंटरव्यू 250 गया था। ST के लिए जो रिटन का कट ऑफ गया था वो 223 गया था और फाइनल जो आफ्टर इंटरव्यू गया था वो था 325। EBC के लिए जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ गया था वो 233 गया था और फाइनल जो कट ऑफ गया था वो गया था 253 आफ्टर इंटरव्यू। BC के लिए जो गया था 238 गया था रिटन एग्जाम का कट ऑफ और 373 गया था इसका फाइनल एग्जाम का कट ऑफ आफ्टर इंटरव्यू। और BCL के लिए जो कट ऑफ गया था वो फाइनल गया था 278। तो इस प्रकार कुछ कट ऑफ था पिछले बार का, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन कैंडिडेट्स भी इस बार ज़्यादा फिल किया है, कैंडिडेट्स ने ज़्यादा फॉर्म फिल किया है और सीट्स भी ज़्यादा है, ये बात को कंसिडर करना होगा इस बार। तो वो तो एग्ज़ाम इस बार प्री एग्ज़ाम भी करवाया गया है, पहली बार प्री एग्ज़ाम करवाया गया, पहले प्री नहीं होता था, तो उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट जो है सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये आप बेस ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इस पर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस बार सिनेरियो बिल्कुल अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस का जानकारी के लिए। उसके बाद कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।